हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं दास और आप देख रहे हैं ट्रेवलिंग लेजर। तो फाइनली अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, मेरा बैग भी पैक हो गया है, ये देखो, और कुछ नहीं है। और अभी सेकंड टाइम फिर मैं तैयार हो गया हूं हिचाइक करने के लिए। तो अभी हम लोग आज हिचाइक करेंगे, पोखरा करेंगे नहीं, मेरे को लगभग जाना ही है पोखरा। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे और उसके बाद चेकआउट करते हैं और चलते हैं पोखरा की ओर। थैंक यू। तो दोस्तों अभी चेकआउट हो गया है और जो यहाँ बच्ची थी सृष्टि वो चली गई है एग्ज़ाम दिलाने, मतलब अपने स्कूल। तो उससे लास्ट हाय बोलना था तो नहीं बोल पाया उसको। और यार चलो इसी से हाय, अगर वीडियो आपको देखेगी तो समझ जाएगी। मैं आपको बोल रहा था कि ये जो एरिया है वो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो आप ये देख लो। अभी मैं आ गया हूँ मेन जो रास्ते पर हाईवे में है और मेरे पीछे आप एटमॉस्फेयर देख रहे हो, सामने पहाड़ है बहुत बड़ा। तो यार आप देख रहे हो पूरा चारों तरफ से हम लोग पहाड़ से घिरे हुए हैं और ऐसे जगह में रहने का अपना ही मज़ा होता है। दोस्तों अभी हम लोग उसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं और मैं उसी जगह बैठा हूँ उसी में जहाँ कल बैठा था। और जो है अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पूरी सब्ज़ी जो नेपाली रुपया है 120 रुपये में, मतलब इंडियन यार 1.6 से आप भागित कर देना तो जितना रुपया हो। तो अभी मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ सब नेपाली रुपीज़ में है, तो आप उसको 1.6 से आप उसको भाग कर देना, उतना रुपया इंडियन करेंसी में पड़ेगा। दोस्तों इसमें है 5 कोड़ी, 1 जलेबी और है सब्जी। और ये जलेबी देखो, यहाँ इसका जलेबी ये रहता है इतना बड़ा, ऐसा टाइप का जलेबी रहता है। तो चलिए इसको फेस करते हैं पहले। तो दोस्तों मैंने नाश्ता कर लिया है और थोड़ा सा दूर जाते हैं जो चौक है उसके सामने में, जो पोखरा की रोड है उस तरफ, ताकि वहाँ से जो भी गाड़ी जाएगी सब पोखरा की ओर जाएगी। मेरे सामने है त्रिशूल नदी और उसमें बने हैं ओवरब्रिज, और इस ओवरब्रिज को पार करके हम लोग उस साइड जाएंगे और कोशिश करेंगे आज के फर्स्ट हिचाइकिंग का, आज की फर्स्ट हिचाइकिंग का। नेपाल में तो मेरा दूसरा हिचाइकिंग करूँगा मैं, तो अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मुझे ये जो लोकल बस है यहीं से लोकल बस चलती है, तो अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं बस से ही जाऊँगा। लेकिन आज मेरे को पोखरा पहुँचना ही है कैसे भी करके। ये है त्रिशूल नदी जो बहुत ही अच्छी फेमस नदी है जो नेपाल की। देखिए जस नदी के ऊपर में है एक रेस्टोरेंट। अब यार वो कितना मजबूत बना होगा, अभी तक तो ठीक है मजबूती होगा, क्योंकि अभी हल्का से भी कुछ जैसे हुआ तो फिर सीधा नीचे जाएगा। आप देखो कितना पास में ही बना हुआ है। और सामने है ब्रिज जो पूरा जो लोहे लोहे का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, और सीधा जाती है ये, पता नहीं कहाँ जाती है, लेकिन देखने से तो भी वो अच्छा लग रहा है यार।
और ये जो त्रिशूल नदी है ये जो मुंगलिन से क्रॉस होके इधर नीचे की तो बह जाती है और पोखरा हम लोग को जाना है इधर, तो वहाँ भी नदी आती है लेकिन वो छोटी नदी है। लेकिन मेज जो नदी है त्रिशूल ये आपको नीचे की ओर ये निकल जाती है मुगलिन से। तो अभी करते हैं चेक शुरू, लेट्स गो। भाई जो आ रहे हैं यार वो सब जा रहे हैं, देखें कि दे नहीं रहा है। लेकिन देखिए काठमांडू से पोखरा के लिए आपको कोई गाड़ियों की कमी नहीं पड़ेगी, चाहे आप बस ले लो टैक्सी ले लो। तो यार लेकिन आपने को मजा लेते हुए जाना ही चेकिंग, इस कारण से अभी हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं कुछ समय, अगर नहीं होगा तो फिर सीधा बस ले कर जाएंगे पोखरा। ये जो गाड़ी आ रही है वो भी टैक्सी है, और वो सब आ रहे वो भी टैक्सी है। अब इसमें कन्फ्यूजन यही है कि किसको रोकूं किसको ना रोकूं। तो मेरे को सिर्फ यही ऑप्शन दिख रहा है, जो ट्रक और आ रहा है सिर्फ वही उसी बस को रोकूं। इससे सामने में दो ट्रक आ रहा है, देखता हूं रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। अभी तक तो लिफ्ट नहीं मिला, लेकिन बगल में आया था ऐसी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का मज़ा ले रहा हूँ, देखते हैं उसके बाद में। ठीक है, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इसको ऐसे यहाँ से ऐसे काटते थे और ऐसे खींचते थे मुँह से, आ नहीं रहा है। हाँ आ रहा, आ रहा। तो ऐसे खाते थे। वैसे लोकेशन में तो अच्छी जगह में हूँ, लोकेशन में ऐसा कोई बुरा नहीं है लोकेशन। एक और गाड़ी आ रही है, इसको कोशिश करता हूँ रुकवाने का, ये भी नहीं रुकेगा, ये भी गया। अभी सुबह के लगभग 11:30 बजे हैं और मैं लगभग 1.5-2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ लिफ्ट मंगने का, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है, देखते हैं आगे। एक गाड़ी आ रही, इससे मंग के देखता हूँ। तो दोस्तों बहुत टाइम से लिफ्ट नहीं मिल रहा था, लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं, तो मैं बगल में जो एक ब्रिज है वहाँ आ गया हूँ। ये मेरे ख्याल से लग रहा है कि पहले का सबसे पहले यही ब्रिज बना था, और पूरा ये जो ब्रिज है वो सब जर्जर हो गया है, तो इसमें गाड़ी वाड़ी अभी कोई चलता नहीं है। तो उसके बाद वो नया जो ब्रिज बना है उसमें से गाड़ियाँ जाती है, और ये पूरा केबल से बना हुआ है, ये देखो पूरा। अभी बज गए हैं 1:00 PM और लगभग मैं 10 बजे से, मतलब सॉरी 9:30 या 10 बजे से मैं कोशिश कर रहा हूँ लिफ्ट मांगने का, लेकिन अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिला है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि बस से अब जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 2-3 घंटा पहुँचने में भी लगेगा। तो देखता हूँ एक आध तो लिफ्ट मांग के, नहीं तो फिर बस से चलता हूँ। गाड़ी आ रही है और देखता हूँ, नहीं मिला। ये तो ऑलरेडी फुल है यार, अपने बच्चों के साथ में है लगता है, अपने परिवार के साथ में, तो ऑलरेडी फुल है।
बहुत टाइम से मैं देख रहा था यार, अभी मिला नहीं मेरे क्लिप, तो मुझे अभी पोखरा जाना ज़रूरी है आज, तो मैं बैठ गया हूँ अभी बस में। यहाँ से लगभग 300 नेपाली रुपया है उसका जो चार्ज है यहाँ का, मतलब पोखरा तक के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं पोखरा, और अभी मैं खड़ा हूं पोखरा के बस स्टैंड, यहां इसको बस पार्क बोलते हैं, और अभी बजे हैं शाम के 5। अगर आप बस से काठमांडू से पोखरा आते हैं तो आप कोशिश करें कि बाकी जगह से बस मत लें, जो काठमांडू में आपका जो बस पार्क है वहां से आप लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपने मेरे दो वीडियो के माध्यम से देखा है कि आप काठमांडू से पोखरा कैसे आ सकते हैं, आप भी देखो कि मैं कैसे आया हूँ। अगर आपके पास में टाइम है तो अगर आप काठमांडू से पोखरा आते हैं तो बिल्कुल आप जो बीच का कोई भी जगह आप चूज़ कर लीजिए, वहाँ आप रुक जाइए। पूरा जो गेस्ट हाउस लॉज है वो भरे पड़े हैं, आपको जितना आपका रेंज है बजट में वो आपके पास में वो अवेलेबल है, और खाने का भी कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी आपके बजट में है। तो आप, मेरा सजेशन यही है कि आप अगर आपके पास में समय है तो आप बिल्कुल वहाँ रुके और एक दिन वहाँ जो है एक्सप्लोर करो। और रुकने का मैं मेन कारण ये बोल रहा हूँ क्योंकि वो जैसे सुबह का जो टाइम है वो आपको जो व्यू वहाँ दिखता है वो एकदम अमेजिंग है, वो वही चीज़ फील करने के लिए आपको वहाँ रुकने के मैं बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल आप वहाँ आते हैं तो के टोटल मैं कितना क्या कास्ट है काठमांडू से आप यहाँ आते हो वो सारा चीज़ मैं वीडियो में बता दिया हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।